रेडी स्टार्ट। माननीयवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप देखें कि आज स्थिति यह है कि एक आदमी खेती करता है, वह आदमी वकालत भी करता है, वह आदमी व्यवसाय भी करता है और वह संसद का सदस्य भी बन सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और मजदूरी करके अपनी रोज की रोटी कमा पाते हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन गरीब लोगों को असहाय छोड़ दें, जो कि इस देश के असली नागरिक हैं? अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जब तक हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक इस बात का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करेगा। सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पहले पूरी की जाएं, तभी एक व्यक्ति को एक से अधिक रोजगार करने की छूट दी जा सकती है। उनको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दें तो हम इस देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। तभी इस देश में समाजवादी समाज की रचना हो सकेगी, तभी हमारे संविधान की मंशा पूरी हो सकेगी। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद का प्रभाव है। जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, वह चाहे जितना पैसा खर्च करे, लेकिन जिनके पास श्रम है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसका कारण हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं भी हैं। आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र लें या रोजगार का क्षेत्र लें, हर कहीं एक संपन्न वर्ग बन गया है। जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा रोजगार पाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वे कब्जा कर लेते हैं, लाखों रुपए दान देकर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हम संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और साम्यवाद लाना चाहते हैं, जहां सारी संपत्ति केवल राष्ट्र की होती है। ब्रह्म